हे गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार की हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ पहाड़ों से एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में आपका। तो फ्रेंड, अभी सुबह के करीब 7:30 बज रहे हैं। मैं जा रहा हूँ कसलेंग मार्केट को और ब्लॉग शुरू करते हैं, दिन शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा और देखते हैं आज दिन भर क्या क्या हो सकता है। तो शुरुआत ही कर लेते हैं आज के ब्लॉग की। सुबह का प्यारा मौसम है और आज बारिश का मौसम बना हुआ है। सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो मैं तो आ चुका हूँ घर से, जा रहा हूँ सीधे कसले मार्केट की तरफ को। आज का मौसम देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार मौसम बना हुआ है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है पहाड़ों पे और कोहरा भी छाया हुआ है हल्का दुल्का। तो मस्त मौसम, सुहावना मौसम जिसे हम बोल सकते हैं, उस प्रकार का मौसम हुआ है आज। एंड मैं आ चुका हूँ इस तरफ को और इस तरफ को देखिए मौसम कैसा है। सामने जो पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज का मौसम कुछ इस प्रकार है पहाड़ों में और हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र में। घाटियों पे कोहरा ही कोहरा और हल्की दुल्की रिमझिम बारिश। तो फ्रेंड, अभी समय हो रहा है करीब 11 बजे का और मैं हूँ घर ही पे। कसालिक से आ गया था सुबह और एक बार आपको मौसम दिखाता हूँ। मौसम तो आज बारिश वाला ही बना हुआ है, ऐसे में आप कुछ काम भी नहीं हो सकते हैं हम लोगों के, ना खेतों पे काम हो सकते हैं, ना इधर उधर बाहरी आउटडोर वर्क जो हमारा होता है वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मौसम देखिए एक बार, नज़ारे देखिए कितना प्यारा मौसम बना हुआ है आज। तो फ्रेंड, अभी समय हो रहा है करीब 1:30 बजे का और खाना वाना तो खा लिया है। अब जाके थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, यानी कि बारिश बंद हो गई है और हल्की हल्की किसी समय धूप भी आ रही है। ये देखिए फ्रेंड, बारिश के बाद तो चमक धमक ही अलग है पहाड़ों की, और क्या नज़ारे आ रहे हैं। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और अभी तक बारिश ही थी। अभी हम लोग खाना वाना भी खा चुके हैं तो बारिश थोड़ी सी बंद हुई है और अच्छा मौसम हो रहा है, धूप देखने को मिल रही है। अब देखते हैं दिन में अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो कुछ काम धंधे हो जाएंगे खेतों के, अगर बारिश हुई फिर कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, मैं करता हूँ थोड़ी देर आराम, खाना वाना खा लिया है और फिर देखते हैं दिन में कैसा मौसम रहता है और क्या काम हो सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी समय हो रहा है 2:30 बजे का और मुझे घर से आना पड़ा अचानक, क्योंकि अमित भाई का कॉल आ गया और हमें निकलना है तरला रामगढ़ के लिए। तो इस चक्कर से मुझे घर से आना पड़ा जल्दी जल्दी। तो मैं भी आ गया हूँ तैयार होके, चलता हूँ मार्केट में, फिर चलते हैं तरला रामगढ़। और किस लिए जा रहा हूँ वो तो पता चल जाएगा आपको, और आजकल कैसा माहौल है तरला रामगढ़ का वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं, घर से आ चुका हूँ, अभी मौसम ठीक ही है। ये देखिए नज़ारे, किसी समय धूप आ रही है तो किसी समय बादल लग जा रहे हैं। मैं तो सोचा था थोड़ी देर खा के आराम करूँगा, लेकिन आराम हो नहीं पाया क्योंकि अचानक कॉल आ गया भाई का, तो जाना पड़ रहा है घर से। फ्रेंड, मैं पहुँच चुका हूँ रोड पे और सामने के नज़ारे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माहौल अभी। तो दोस्तों, फाइनली हम कसले मार्केट से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं मल्ला रामगढ़, जो भवाली वाला रोड है इस रोड से जा रहे हैं तल्ला रामगढ़ की तरफ को। एक रास्ता इधर से भी है ओड़ाहान होते हुए, लेकिन हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते चलते हम लोग पहुंचने वाले हैं सतबुंगा एरिया में, सामने मुक्तेश्वर घाटी। और उसके ऊपर आसमान में देखिए क्लाउड कितने मस्त नज़र आ रहे हैं, और पास में यह है जैन मंदिर, तो इसके पास में हम पहुँचने वाले हैं। तो थोड़ा सा और रह गया है यहाँ से, तो चलते हैं जैन मंदिर देखिए। और हम पहुँच गए हैं फाइनली दोस्तों रामगढ़, तल्ला रामगढ़ के कट पे। सीधा रास्ता आगे को भवाली को जाएगा और हम यहाँ से राइट लेंगे तल्ला रामगढ़ के लिए। फ्रेंड, अभी हम पहुँच गए हैं तल्ला रामगढ़ पे।
तल्लारामगढ़ मेन पे तो नहीं पहुँचे हैं, बट तल्लारामगढ़ विलेज पे हम पहुँच चुके हैं मेन रास्ते से, जहाँ से हमने इस तल्लारामगढ़ के लिए कट लिया। लगभग 4-5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये सीसी मार्ग आप देख रहे हैं, इसी से होते हुए हम नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे ना दोस्तों, जिस काम के लिए हम आए हुए हैं, किसी ने हमको यहाँ पे बुलाया हुआ है। शायद उन्होंने यहाँ पे लैंड ले रखी है, उस पर कुछ प्रोजेक्ट अपना वो करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो इस सिलसिले में वो हमसे मिलने आए हैं और जानकारी चाहते हैं कैसे उनकी लैंड पे कार्य हो सकता है। तो चलते हैं उनकी लैंड के पास में। और इस सीसी रास्ते में भी देखिए कितनी काई जमी हुई है, आजकल बरसात के दिन हैं तो घास जम जाती है, फिसलने का डर रहता है। और एकदम घाटी में है तल्लारामगढ़, तो आप नज़ारे देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर लैंड है और सामने डिस्कशन चल रहा है। अमित भाई लोग हैं और साथ में लैंड ओनर हैं, और इस घर के पास में लैंड है, यहां पे ये घर के पीछे से लैंड है, तो यहीं पर डेवलप करना है। और गांव देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत हरियाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तल्लारामगढ़ घाटी में बसा है, थोड़ा सा गर्म क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती अपने आप में बेमिसाल है। और नीचे देखिए मस्त बगीचा बना रखा है आड़ू और पुलम का। तो पंजाबी ट्रैकर भी इसी गांव में रहते हैं और आसपास में ही, इससे थोड़ी सी दूर पे उनका घर है। तो दोस्तों, यही वो लैंड है जो हमने डेवलप करनी है, और इसी के लिए ओनर ने हमें यहाँ पे बुलाया और समझना चाह रहे थे किस प्रकार यहाँ पर काम होगा, तो वो भी समझ रहे हैं। और ये है पूरी वो लैंड देखिए, और सामने एक फ्लैट खेत है जिसमें बढ़िया आड़ू का बगीचा है। तो फाइनली दोस्तों, हम अपना कार्य समझ के यहाँ से निकल चुके हैं, शाम के करीब 5:30 बजे का समय हो रहा है, और अब चलते हैं सीधे हैं कसैली मार्केट की तरफ, पहाड़ों की इन खूबसूरत टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुए। तो हम उसी कट पे पहुँच चुके हैं, राइट पे भवाली को और लेफ्ट पे हमारी कसैली को, ये रोड जा रहा है, बोर्ड भी लगा हुआ है देखिए। तो सीधे चलते हैं कसैली मार्केट पर, फिर आपसे वहीं बातें करूँगा। दोस्तों, हम लोग पहुँचे हैं अभी आधे रास्ते में, और इस तरफ को देखिए जंगलों में धीरे धीरे कोहरा आने लगा है, और इसी तरह कोहरा आया तो पूरे जंगल छिप जाएंगे, यानी कि ढक जाएंगे कोहरे से, और विजिबिलिटी फिर कम दिखेगी। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे को, और पहुँचने वाले हम दुदकानेधार के पास में, और देखिए महिलाएँ ग्वाले को जा रही हैं। तो दुदकानेधार के पास में पहुँचने वाले हैं, और यहीं से हमारी मुक्तेश्वर की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो सामने ये बोर्ड लगा है, सीमा प्रारंभ मुक्तेश्वर, थाना मुक्तेश्वर का, तो ये है दुदकानेधार। तो मुक्तेश्वर की सीमा प्रारंभ होती है, पहला गांव यही पड़ता है दुदकानेधार, ये उसकी मार्केट है रोड पे। तो यहाँ से पास में आ जाता है फिर सतबुंगा और फिर कस्याले। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे को, और सामने की तरफ देखिए ये है पूरा एप्पल गार्डन। दोस्तों, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर सैलानी रुकते हैं, एप्पल गार्डन घूमते हैं और यहाँ से सेब खरीद के लेके जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें भी रोड साइड ने खोल रखी हैं लोगों ने। ये देखिए पूरा एप्पल गार्डन है, एप्पल भी लगे हुए हैं। तो ये रौनकें हैं आजकल पहाड़ों पे, और ख़ासकर हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र पे। फ्रेंड, फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग कसैली मार्केट पे, और गाड़ी सामने में पार्क कर दी है मामू के शॉप के आगे। तो अब यहाँ से चलेंगे घर की तरफ को, बाकी मार्केट में थोड़ी सी सुनसानी बनी हुई है लग रहा है, अभी चलता हूँ आगे को। सामने फॉरेस्ट का खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों, पहाड़ों पे आज के दिन की भी शाम हो गई है, और शाम के खूबसूरत नज़ारे इस प्रकार आ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आपको मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।